का पर्व चैती छठ बक्सर के रामरेखा घाट और नाथ बाबा घाट सहित विभिन्न घाटों पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। चैती छठ में भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पण के लिए बक्सर के गंगा घाटों पर हजारों भक्तों का जन सैलाब उमड़ा था। छठ पूजा के दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो इसको लेकर प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। जिला प्रशासन ने गोताखोर टीम और सुरक्षा बल तैनात भी किए गए हैं। बता दें कि चैती छठ पर्व में रामरेखा घाट पर हजारों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु पहुंचे हैं, जहां बड़ी शिद्दत के साथ अपने परिवार के साथ छठ पर्व मना रहे हैं। वहीं नाथ बाबा घाट के अलावा सती घाट, गोला घाट सहित सेंट्रल झील घाट के अलावा कई घाटों पर श्रद्धालु छठ पर्व कर रहे हैं। और संझत करके अपन पूजा पाठ संझत एक दिन पहले करके फिर ओकरा बाद बिहान भेला अपन छठ व्रत करी ना जा सब फल फलहरी मंगा के जुटा के सब करते हैं। कार्तिक छठ होला वैसे ही चैती होला? हाँ, कार्तिक के छठ होला वैसे ही चैती हो छठ होला। एक दिन नहा ई बड़ा छ है तनि कार्तिक से ही बड़ा मानल बा जिनका के वो छठ बड़े है मान उनको बड़े मानल बा। व्रत में परंपरा कैसे बा कैसे कर सब मनोकामना पूरा होला। व्रत के ठान ले आदमी के हमरा है चाही है सूरज भगवान तो उनका देवे के बाबू दही ना पूरा करी ना खरना यू में होला। खरना कह के एक दिन पहले नहान खान कह के एक दिन फिर दूसरका दिन संजत खरना करी आदमी छठ पर्व को लेकर सदर SDM धीरेन्द्र मिश्रा ने बताया कि हम लोगों के आकलन के अनुसार बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई जो अप्रत्याशित थी। तैयारी है लोगों को इसको लेकर और क्या आपने किया है अभी तक? हम लोगों ने जो आकलन किया था उससे ज्यादा भीड़ है इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और अच्छा भी लग रहा है देख के कि काफ़ी उत्सवी माहौल में छठ मनाया जा रहा है। चैती छठ पे आमतौर पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि बहुत भीड़ नहीं होगी, लेकिन कह सकते हैं कि अप्रत्याशित भीड़ है। और जो तैयारियां थी हमारी वो जो कार्तिक के छठ की होती है उसी के बराबर तैयारी है, चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो या बैरिकेडिंग हो या लाइटिंग हो। अभी आपने देखा कि हमारे 3-4 दल हैं वो बोट पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। इससे तैयारियों में हम लोगों ने कोई कोताही नहीं की थी, तैयारी बिल्कुल व्यापक पैमाने पर की गई थी। और ये अच्छा लग रहा है देख के कि धीरे धीरे चैती छठ का भी क्रेज बढ़ रहा है लोगों में और भीड़ भी काफ़ी है, ये सुखद संकेत। लोक आस्था का छठ महापर्व जो है चैती छठ, यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये नाथ बाबा मंदिर है, हम आपको वो भी तस्वीर जो दिखाएं रामरेखा घाट पर, पूरा रामरेखा घाट जो है पूरा भरा हुआ था और प्रशासनिक भी व्यवस्था आपने देखा, प्रशासन की यहाँ पे चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। जो चैती छठ जो है यहाँ पे जो क्यों मनाया जाता है और चैती छठ माता जी आप जो मनाती हैं तो किस शिद्दत से मनाते हैं चैती छठ? जैसे मनोकामना पूर्ण हुआ तो हम करते हैं मनोकामना पूर्ण। हाँ, ये विधि विधान इसमें क्या रहता है? विधि विधान रहता है जैसे कार्तिक वाला छठ होता है वैसे भी होता है, हर नियम उसी तरह होता है। नियम क्या क्या है इसमें? नियम है इसमें ही करना है ना। हाँ, नियम क्या है? नियम करना है। बहुत लोग खरना करता है, बहुत लोग बिना खरना के भी करता है, बिना संझौत उसको कहते हैं। उसके बाद उस संझौत में एक दिन बरौना होता है उसके पहले, फिर उस छठ से एक दिन पहले उसको संझौत बोलते हैं। उसके बाद फिर तीसरे दिन छठ होता है जो कि आज हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी कठिनाई से? हाँ, कठिनाई तो है कि बिना पानी के रहना है, पानी उनी के बिना। आपकी मनोकामना पूर्ण होती है इसलिए छठ? हाँ। क्या नाम है, कहाँ से आए? हम आए ऐसे तो आए हम मित्रलोक कॉलोनी यही बक्सरे से आए हैं, पांडे पट्टी से। क्या नाम है? अनीता। तो आपने देखा जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो चैती छठ जो है वो करते हैं। और आपको हम SDM धीरेन्द्र मिश्रा का भी बयान सुनाएंगे कि उन्होंने छठ पर्व को लेकर के क्या कहा और प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। बक्सर से संजय उपाध्याय, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।